हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 2019 के आईडीजे मेंस में आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको दो कर्व्स दे रखे हैं, या यू कहें दो पैराबोला दे रखे हैं। एक है वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर डायग्राम में दिखाऊं तो पहला तो है वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस वाई कह सकते हैं और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y -10 कह सकते हैं। दूसरा है आपके पास वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y -2 कह सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को इसमें रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहले ये वाला जो है पैराबोला, ये इस तरीके से चलेगा, और ये वाला जो पैराबोला है ये इस तरीके से बनेगा। ठीक हो गया। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो पहले हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा। उसके लिए ये देखिए, ये पहला पैराबोला है, ये दूसरा पैराबोला है। दोनों में जो वाई की वैल्यूज है उनको इक्वल रख लेता हूं तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व करोगे तो 8 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू +-2 आ जाएगी। अब ये एक्स की वैल्यू दोनों पैराबोले में से किसी में भी पुट कर दो। जैसे मैं इसमें पुट कर देता हूं प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, तो मुझे दोनों केस में 6 ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2, 6, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -6। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद कहा है कि इस पॉइंट पर ये दोनों एक एंगल बना रहे हैं। थीटा इज डिनोट द एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स। इसका क्या मतलब है? मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ऐसे बनाऊं और एक दूसरा टेंजेंट ऐसे बनाऊं, क्योंकि दो कर्व्स हैं तो दो टेंजेंट बनेंगे इस पॉइंट पर, तो इनके बीच का जो एक्यूट एंगल है मुझे वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो ये एंगल देख लो, इनके बीच का ये वाला एंगल है, मैं यही वाला एंगल फाइंड कर लेता हूं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर जो मैंने दो टेंजेंट्स बनाए हैं दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे पहले वाले कर्व का स्लोप निकालना है तो मैं उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, जो कि इतना आ गया। ठीक हो गया। और यहां पर मैं एक्स की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 2, क्योंकि जिस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक लाइन का स्लोप तो हमें 4 मिल गया है। ये दूसरी लाइन है, इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये -2x हो गया। इसमें भी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे सेकेंड स्लोप मिल जाएगा, जो कि -4 हो गया। अब आपको पता है, अगर आपको दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, टेन थीटा इक्वल टू मॉड m1 - m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। एक तो है -4, दूसरा है 4, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 आ जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं तो ये 8 ओवर 15 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से दोनों ही टेंजेंट्स के बीच में, या यूं कहें दोनों ही कर्व के बीच में जो एंगल हमें फाइंड आउट करना था, मतलब मॉड टेन थीटा फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया।